अच्छा आदिल हैदराबाद को आया कब? एक हफ्ता हो रहा, आज तुम्हारे घर को भी आ रहा। अब्बा बहुत शो ऑफ करता भाई, उन्हें जरा नहीं पसंद मेरे को। अरे तुम्हारा कजिन है ज़ैनब, वैसे शाहरुख को तो प्रॉब्लम नहीं है ना? शाहरुख को कहीं को प्रॉब्लम होंगी, उन्हें तो मिले भी नहीं आज तक। आदिल से तेरे रिश्ते की बात हुई थी ना? अरे हाँ खाला कितना चिढ़ाते थे हम लोगों को, बड़े होके तुम लोगों की शादी कर देते बोल के। खैर ठीक है अम्मी, आदिल आके गए बाद से मैं आपको कॉल करती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। अब आएगा मजा, इनके बहुत एक्स आके गए ना, अब मेरा एक्स रिश्ता आएगा, बताते हो। शाहरुख, शाहरुख कद्दू नहीं है फ्रिज में, अब कैसा होगा? कहेगा कैसा होगा, खुदा ना खासा ज़ैनब तुम कद्दू का दाल चावल तो नहीं पका रहे ना? अरे नहीं जी, वो मेरे को कद्दू की खीर बनाना था। वो कौन सा अच्छा पकाते तुम, वैसे कई को भूत चढ़ा कद्दू की खीर पकाने का? वो उनको बहुत पसंद। किनको? अरे मेरे अनुहित जी। तुम्हारे उन्हों तो मैं हूँ ना, और मेरे को तो तुम्हारे हाथ का ना कद्दू का दाल चा ना कद्दू की खीर पसंद, अरे कच्चा खा ले तो मैं। अरे मेरे खाला के बेटे आ रहे हैं। अबा तो उनके लिए तुम कद्दू की खीर पकाएंगे? आज तक तो नहीं बनाए, ये नया टैलेंट कहाँ से आ गया, कैसा बनाते? अरे उसमें क्या है, मैं यूट्यूब पे देख के सीख लेती हूँ। ओफो ये एफर्ट्स कहाँ थे ज़ैनब, जब मैं तुम्हारा करी की दाल पकाओ बोला नहीं आता बोल दिया तुम मुँह पे सीधा। को मालूम था शाहरुख आपको प्रॉब्लम होंगी, उन्हों आ रहे हैं तो। मैं कहीं को होंगी प्रॉब्लम? अरे नहीं मतलब मेरे रिश्ते की बात हुई थी ना उनके साथ, तो आपको प्रॉब्लम? अरे वो बचपन में जो सताते थे तुम लोग खाला, अरे हर खानदान में होता हो, उसमें क्या सीरियस थोड़ी रहता हो? ऑलमोस्ट सीरियस था। हाँ कहाँ, फोटो बताओ उसे। आप देख सकेंगे क्या? अंदर है फोन में, आओ बताती हूँ। इन्होंने देखा मेरे बाजू ठहरे सर। दोनों में से उन्हों कौन है? शाहरुख ये है। अरे रे 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 रे, क्या हालत है गाड़ी, अरे डबल गोश्त की बिरयानी खिलाओ, मंदी मंदी मंगाओ, पायस सालन दो, क्या है यारो बेचारा, दुआ लगती यारो उसको मोटा करो। बचपन की फोटो है शाहरुख, ये चेंज हो गया अभी। ज़ैनब आदमी की तावल के चेंज होगा, एक टाइम पे ना प्यूबर्टी में रैम खाओ बोलती इससे प्रॉब्लम। अरे क्या है यारो। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनो, पहले सब्सक्राइब करो उसके बाद एक घंटा दबाओ। इन लगते कि कोई तो भी आते क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बोलता हूँ कोई सीरियलों के एक्टर है आप? जी नहीं। एकता कपूर के सीरियलों में थे पक्का? जी नहीं। मैं याद आ गया भाई, बिलबोर्ड जुबली पे शेरवानी डालने के मॉडलिंग। अरे नहीं नहीं फिर मेरी बीवी पक्का पहचानती, पूरा सोशल मीडिया पे घुसी भी रहती भाई, कहीं तो भी देखे आपको। ज़ैनब जल्दी आओ, कोई तो भी है ये फेमस। अरे आदिल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे ये हाइट कैसा बढ़ गई इतनी शाहरुख, 6 feet तो होंगी? नहीं कॉम्प्लेन बॉय है शायद। जोक था। आदिल आप अंदर आ जाओ ना, बैठ जाओ। ज़ैनब हसम से तुम जो फोटो दिखा ये बच्चा है वो? हाँ। कौन से बाबा के लेके जाके फुकाएगी? भाई आप पूरा नको मानो, प्लास्टिक सर्जरी कराया गया क्या है अपने नहीं है वो। स्टॉप इट। आदिल जॉब कैसा चल रहा है आजकल? क्या करते हैं भाई? आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं। ओह या डॉक्टर शाहरुख, डॉक्टर तो डॉक्टर है, अपने शर्फू भाई भी डॉक्टर है। अरे नीचे से भाई लाइट है, हम लोग आज डॉक्टर होगा। मैं हार्ट का सर्जन हूं। आदिल दिल का सर्जन। अभी तक यूज कर रहे तुम ये लाइन, टू मच शाहरुख, इज टू मच। तुम्हारा कोई याद है क्या? देख रहा था बस। अरे ऑफ कोर्स याद है। क्या याद है, मेरे को भी दियो स्टोरी, क्या है जो की? अरे बचपन से ना शाहरुख आदिल को हार्ट सर्जन बनना था, जो भी इनसे पूछते थे ना कि बड़े होके क्या बनते, तो ने बोलता था आदिल दिलों का डॉक्टर बनेगा। चीजी बट क्यूट। ज़ैनब तुम इधर आओ, बाजू जरा बात करना है, मैन टू मैन बात करना है। और भाई आप क्या करते हैं? भाई आप यकीन नहीं करेंगे, रिटायरमेंट ले लिया मैं। हाँ ये एज में क्या इतने गुस्से पैसे कमा लिया मैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, किराए आ जाते बस बैठ के खाओ है सीन। अच्छा है बाबा सेट कर दिया रेंट, खुद से तो कुछ नहीं करे होंगे। आदिल की स्टोरी तो ना फुल ऑफ स्ट्रगल्स, इनके डैड के पास पैसे ही नहीं थे। खालू तुम्हारे खालू बोलो, खालू के पास पैसे नहीं थे। ज़ैनब मैं बोलता हूँ, तुम वो फीलिंग से नहीं बोल सकते जिससे मैं गुजरा। हाँ वो तो है, सुनो मेरी पहली जॉब एक क्लास में थी, न्यूज़पेपर ना डालता था घरों में। भाई बॉम्ब डाल रहे हैं आप, न्यूज़पेपर ना डाल के कौन से कॉलेज की फीस भरे भाई? फीस की जरूरत नहीं पड़ी, टेंट में 99%, इंटर में 99, उसके बाद परसेंटेज गिरा ही नहीं। आई स्टडी ऑन स्कॉलरशिप्स,
अब फ्रेश स्टूडेंट है, मेरा इंजीनियरिंग का रिजल्ट तो नहीं बोले ना इसमें। आप उनकी स्ट्रगल पे तवज्जो दियो। काहे का स्ट्रगल? अच्छा स्कॉलरशिप पे पढ़े फुगट में, अरे तो इसमें स्ट्रगल का है? क्या की स्लमडॉग मिलियनेयर की स्टोरी समझ रहा था? अरे भाई स्ट्रगल तो मेरा था, हमारे बाबा के पास पैसे रख के ना देते थे तो जेब से मारते थे क्या? तुम बोले। अरे शाहरुख वेयर आर माय मैनर्स? शादी के बाद से मैं भी ढूंढ रहा हूं जनाब। जब से आदिल आए ना मैं चाय पूछी ना कॉफी पूछी ना पानी पूछी। आई एम सो सॉरी आदिल, आई एम सो सो सॉरी। सो सो सॉरी का क्या है? अरे घर का मसला है भाई, चाय खोना तो खुद बना लेते भाई। पत्ती शक्कर बाजू बाजू के जाके बना लो। मैं बता देती हूं, मेरे को 10 साल हो गए शक्कर को हाथ लगा के। चमचे से डाल लो। नहीं मेरा मतलब शुगर इनटेक करके 10 साल हो गए। अल्लाह अकबर, कब हुई भाई शुगर? हो जा रहा भाई आजकल यंग एज में हो जा रहा मालूम, स्ट्रेस काम, देखो डॉक्टर को हो गई शुगर। फिटनेस फ्रीक भी हूँ, अपने आप को मेंटेन रखता हूँ। थोड़ों को देखा मैं शादी होते ही कल्ले आ जा रहे हैं, पेट आ जा रहा, ऐसा नहीं हूँ मैं, आई मेंटेन मायसेल्फ। ये मिजाली ने मेरे पे लॉन्च करा हुआ शादी करा। ओ आज लेट से उठा मैं, चेहरा फुलावा रहा था क्या से ना? नहीं नहीं मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। अरे इनका छोड़ो आदिल, मैं कद्दू की खीर बनाई, योर फेवरेट, वो तो खाना पड़ेगा। ज़ैनब आदमी 10 साल से शुगर को हाथ में लगाया, खाएंगा तो तुम्हारे हाथ की कद्दू की खीर भाई वर्त नहीं है। अरे नहीं मैं खा लेता हूँ, चिट्टे समझो आज। अंडरटेकर से सुको, 21 साल तक स्ट्रिक मेंटेन रखा होने, वैसा रखो आप भी। नहीं नहीं मैं आज ही जाके हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करके बर्न कर लेता हूँ पूरा। खेलो खीर का है। बड़े फिटनेस फ्रीक दिख रहे हैं आप, शादी के बाद जिम का टाइम कैसा मिल रहा भाई? मेरी शादी नहीं हुई, आई एम सिंगल। मैं समझा ही था, 10 साल से जो आदमी शक्कर को हाथ में लगाया उसे कौन कर लेते। शाहरुख ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गुनाह कर लेंगे कोई भी। He has everything a girl wants. Good height, बस a doctor. और अभी क्या होना? इंस्टा के बारे में डॉक्टर लिखते कि 100 DM आ गए मेरे को। सही में भाई, पापा बोले थे मालूम मेरे को MBBS कर लो, इंजीनियरिंग करा भाई। आदिल मेरे को एक्चुअली मालूम आप अब तक क्यों शादी नहीं करे। शाहरुख हाँ? वो एक्चुअली ना इनको कोई छोड़ के चले गए थे, शादी की रिश्ते की बात हो रही थी बट दैट डिडंट वर्क आउट। अच्छा भाई उसके आज से सलमान खान बन गए बोलो वामोस। अरे ऐसा नहीं है भाई, रिश्ते तो बहुत आ रहे पर आदिल का दिल किसे पे नहीं है भाई। अब ज्यादा चूजी नको बनो, तो क्या होता आगे चल के आदिल पे किसी का दिल नहीं आएगा। अगले 20 साल तक खींच लूंगा मेरा, आई एम कॉन्फिडेंट। वाओ शाहरुख आप भी शुगर्स छोड़ दो। हां यार चलो खीर खाएंगे। चल आदिल मेरे को पूरी फैमिली गॉस देना। तो तुम किससे भी टच में नहीं है? नहीं अच्छा हो मैं आ गया। क्या मतलब भाई? गॉसिप दिन हाईलाइट हमारी फैमिली भी। हाँ हाँ सुनो मैं भी सुनता हूँ। आदिल मारिया की शादी कैसी थी? इन्होंने मेरे को लेके ही नहीं गए मालूम, मैं बोलते रह गई बस जाएंगे बोल के। अरे बहुत मजा आया, सब याद करते थे तुम्हारे, यू आर द ओनली वन मिसिंग। नैली के ना ऐसा बोल रहे तुम, क्या शादी खाना टोली चौकी पे था भाई? आगरा में थी नई शादी, इतने एफर्ट्स तुम्हारे खानदान के वास्ते नहीं होते भाई, नो ऑफेंस। हम लोग के साथ चलना था ना, एक साथ गया पूरा खानदान, बहुत मजा आया। मिस कर दी मैं। अब नेक्स्ट सना की है ना, उसकी भी डेस्टिनेशन वेडिंग है, यू नो वेयर? पेरिस। पेरिस में है? शाहरुख अगर आप नहीं लेके जा रहे मैं तो चले जा रहे। हाँ क्या बात कर रहे, पेरिस द सिटी ऑफ लव, तुम अकेले जाएंगे? अकेले गए कुछ, आईफिल टावर अपन खसम खाते साथ में देखेंगे। ज़ैनब दूसरों की शादी छोड़ो अपनी। भाई अरे अभी अच्छे थे ना, क्या हुआ? क्या मतलब ये अपनी शादी क्या बोल रहे? कंप्लीट तो कर ले दो सेंटेंस, बीच में काट दिया। अरे हम आपको पूरे खाला सताते थे हमारी शादी होती बोल के, तुम आपको याद है ज़ैनब बचपन में गुड़ा गुड़ी के खेल में मैं दूल्हा बनता था तुम दुल्हन बनते थे। क्या बचे बड़े भाई, मैं बोल रहा हूँ ना किस्मत आपकी, आपकी गोली मैं खा लिया। शाहरुख ऑब्वियसली इज जोकिंग ज़ैनब। ज़ैनब घर को हो ना, मॉम डैड याद कर रहे थे आपको, अब मैं भी हैदराबादी शिफ्ट हो गया, हम डैड अकेले हो गए थे ना। सो स्वीट। देखिए शाहरुख मॉम डैड के वास्ते करियर छोड़ के आ गए। भाई तो छोड़ के गए नहीं भाई, तुम्हारे पास बाबा का पैसा था, हमें वो कमाने जाना पड़ा। वाह शक्कर खा के कुंद हो जा रहे हैं, मैं जवाब देने नहीं आया। आदिल हमला नेक्स्ट वीक पक्का आ रहे तुम्हारे घर को। नेक्स्ट वीक बिजी हूँ मैं ज़ैनब। ठीक है ज़ैनब खाली तुम ही चाचो, लेकिन ज़ैनब 12 बजे के बाद आना घर को। वो गई को एक सेकंड भाई, हॉस्पिटल से कॉल है। पहले बोलो भाई 12 बजे गए को। ज़ैनब जाके हल्दी लाओ, खून बहने वाला है भाई। बोलो कहीं को 12 बजे गए को। उसको हॉस्पिटल से कॉल है जी, हार्ट सर्जन है उन्हें। बहुत बड़ी बात कर दिया उन्हें भाई, खट पे रख रहा हूँ देखो। इसको आज इसके हॉस्पिटल में एडमिट है कराया ना, मेरा नाम शाहरुख नहीं। सॉरी भाई हॉस्पिटल से कॉल, क्या पूछना था? अब मेरे को ये बोलो आप, मेरी सैनब
आपके घर को 12 बजे के बाद कहीं को आना। बिकॉज मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है भाई, सुबह 6 बजे तक हॉस्पिटल पे रहता हूँ। 6 घंटे तो समय दो भाई। सुबह के 12 बोले आप? रात के समझे आप? अरे हेडलाइट हो गया है। जरा वॉशरूम जाके आता हूँ भाई। राइट में। अरे अच्छा बंदा है आदिल, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी देखो जरा, रात के 12 समझा मुझे। अगर उन्हें रात के 12 ही बोलता तो? तुम्हारे वो खलेरे भाई के साथ खालो खाला भी गए थे। शाहरुख आप ये जेलस हो रहे हैं क्या? इस योर जेलसी? अब मालूम हो रहा कैसा फील होता है आपके एक्सा आते जब मेरे को? क्या हुआ, जवाब नहीं है? बोलते ना एक्सा है जी, लाइट लो, तुम ही छा मेरे लिए हर चीज। अब क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं, मेरी थिंकिंग अभी भी सेम है जनाब, बस मैं खुश करने जलने की एक्टिंग कर रहा था यार। झूठ, आप इतने अच्छे एक्टर है ही नहीं। मेरी छम्मो, तुम्हारी शादी हो गई मेरे से और मेरे को पूरा भरोसा है तुम मेरे को कहीं छोड़ के नहीं जा रहे। अच्छा तो मैं पेरिस को गई शादी में अकेले, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? कहीं कहेंगे जी, नहीं है बिल्कुल भी प्रॉब्लम। जाओ एंजॉय करो तुम्हारे कजन से, मेरी शक की वजह से तुम्हारा फन कहीं को रुइन करूं मैं? इतना सेल्फिश मैं नहीं रह सकता हूं जनाब। क्या होता मालूम है, शक कराना, तुम उधर स्ट्रेस में मैं इधर स्ट्रेस में, दोनों लड़ लेते रहते। किशोर साहब क्या बोले, दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में से घर बनाने ना दो। कौन है ये नया शाहरुख इतना मैच्योर? जनाब ये पुराना शाहरुख ही है, तुम बस देखे ना। बहुत ज्यादा खट्टी लाइन मार दिया ना मैं। या यू रुइंड इट गाइस, योर फ्लश इज नॉट वर्किंग। भाई टॉयलेट रुइन कर दिया। कल सुबह में काम वाली आके साफ कर दीजिए। नहीं जनाब, डाइट फूड वाला बहुत गंदा करते। ये कैसा मालूम आपको? 3 महीने डायट पे थे ना, जब मालूम हम। हमारे आदिल भाई बकेट में पानी भर के बाहर हो ना। हाय, ही इज जस्ट जोकिंग, लीव इट। अरे गाइस मेरे को अर्जेंट सर्जरी आ गई, मैं निकलता हूं। अरे भाई ऐसा को बोलो, चाय पी के जाएंगे, अब भी दोस्ती शुरू हुई भाई। अरे भाई मैं छाती हो के लेट आवा है, मैं चाय का सब पीऊं भाई? मैं निकलता हूं। अरे अल्लाह हाफिज़ भाई, आए खाए निकाले निकल लिए।